तो स्वागतम मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी विषय में प्यार भरा स्वागत है। बच्चों, हमने ऑलरेडी संयुक्त अक्षर मींस कंजक लेटर की शुरुआत की है। संयुक्त अक्षर में अब तक हमने ग्रुप वन के लेटर देखे, ग्रुप टू में से थोड़े अक्षर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। चलो आज हम बचे हुए अक्षरों के संयुक्त व्यंजन, अक्षर, शब्द और वाक्य देखते हैं। कक्षा दूसरी हिंदी। संयुक्त अक्षर कैसे बनता है बच्चों, फिर से याद करो। मूल अक्षर प्लस पूर्ण अक्षर, दोनों को मिला के मिलता है हमें संयुक्त अक्षर। मूल अक्षर मीन्स अर्ध अक्षर, हाफ लेटर। पूर्ण अक्षर मीन्स कंप्लीट लेटर। टुगेदर आफ्टर मिक्सिंग वी आर गेटिंग द संयुक्त अक्षर, दैट इज कंजक लेटर। यू कैन सी हियर एग्जाम्पल, हाफ क प्लस पूर्ण क, हम लोगों को मिलता है हाफ क प्लस पूर्ण क, टुगेदर संयुक्त अक्षर क। क्या मिलता है? संयुक्त अक्षर क। चलो बच्चों, ऐसे ही हम ग्रुप टू में से बचे हुए अक्षरों के संयुक्त अक्षर सीखते हैं। ग्रुप टू में से बच्चों ख, ग और घ, इन अक्षरों के संयुक्त अक्षर, शब्द और वाक्य हमने सीखे हैं। आज हम आगे के बचे अक्षरों के भी संयुक्त अक्षर सीखेंगे। ग्रुप टू मीन्स कौन से टाइप के अक्षर होते हैं बच्चों? अंतिम पाई अक्षर, द लेटर्स क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लास्ट लेटर, दोज लेटर्स आर कॉल्ड एज द लास्ट लाइन लेटर, मीन्स अंतिम पाई अक्षर। मूल अक्षर च मीन्स अर्ध अक्षर च प्लस पूर्ण अक्षर स, दोनों को मिला के हमें संयुक्त अक्षर मिलता है च। क्या मिलता है बच्चों? च। इन संयुक्त अक्षरों पे हम जोर दे के बोलते हैं, ठीक है। अर्ध अक्षर या मूल अक्षर स प्लस, अगर हम इसे य पूर्ण अक्षर य से मिलाएंगे तो हमें संयुक्त अक्षर मिलता है च। क्या मिलता है बच्चों? च। अर्ध अक्षर च प्लस य हमें मिलता है च। संयुक्त अक्षर च प्लस छ, दोनों को मिलाकर हमें मिलता है संयुक्त अक्षर छ। क्या मिलता है बच्चों? छ। अर्ध अक्षर च प्लस छ, दोनों को मिला के अर्ध अक्षर पूर्ण अक्षर को जोड़ के हमें मिलता है छ। अर्ध अक्षर च या मूल अक्षर च प्लस र लेटर को मिला के हमें मिलता है संयुक्त अक्षर छ्र। कौन सा अक्षर मिलता है बच्चों? छ्र। च के पेट में र की मात्रा लगाकर हम संयुक्त अक्षर इस तरह से लिखते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि सिर्फ र मात्रा हम कौन से भी लेटर के पेट में से मोड़कर निकालते हैं, बाकी के जो संयुक्त अक्षर है वो तो हम हाफ लेटर प्लस पूर्ण लेटर ज्वाइन करके लिखते हैं। लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है कि र लेटर जब हम कौन से भी अर्ध अक्षर को जोड़कर लिखते हैं तो अर्ध अक्षर पूरा लिख के र का पांव उसके पेट में से मोड़कर हम इस तरह से लिखते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में आपको कौन सा भी लेटर अगर ज्वाइन करके संयुक्त अक्षर लिखो ऐसे आया तो
तो आपको वो पहचान के लिखने के लिए आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। चलो अब हम च लेटर के संयुक्त अक्षर से बने शब्द पढ़ेंगे। कच्चा, कहो कच्चा, अर्ध अक्षर च, पूर्ण अक्षर च को जोड़ के हमें मिलता है कच्चा। अच्छा, अर्ध अक्षर च, छ को जोड़ के हमें मिलता है अच्छा। सच्चा, अर्ध अक्षर च, पूर्ण अक्षर च को मिलाकर हमें मिलता है सच्चा। पढ़ो सच्चा। फिर से अर्ध अक्षर च, पूर्ण अक्षर च को मिला के हमें मिलता है बच्चा। क्या मिलता है बच्चों? बच्चा। अर्ध अक्षर च, छ को मिला के हमें शब्द मिलता है मच्छर। कहो मच्छर। चलो अब हम इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। आम कच्चा है, आम कच्चा है, आम कच्चा है। मच्छर मुझे सोने नहीं देते, मच्छर मुझे सोने नहीं देते, मच्छर मुझे सोने नहीं देते। बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। हमेशा सच्चाई का साथ दो, हमेशा सच्चाई का साथ दो, हमेशा सच्चाई का साथ दो। अब हम ग्रुप टू में से नेक्स्ट लेटर के बारे में पढ़ेंगे। ज, ज को भी, ज भी लास्ट लाइन की मदद से ही लिखा है। अर्ध अक्षर ज या मूल अक्षर ज, जब हम पूर्ण अक्षर ज को मिलाते हैं तो हमें लेटर मिलता है संयुक्त लेटर ज। कौन सा लेटर मिलता है? ज। मूल अक्षर या अर्ध अक्षर ज, जब हम व लेटर को मिलाते हैं तो हमें लेटर मिलता है ज्व। कौन सा लेटर मिलता है? ज्व। अर्ध अक्षर ज प्लस र, इन दोनों अक्षरों को मिला के हमें संयुक्त अक्षर मिलता है ज्र। क्या मिलता है बच्चों? ज्र। ज, ज्व, ज्र। चलो बच्चों हम ज से बने संयुक्त अक्षरों का प्रयोग शब्दों में करते हैं। ज व को मिला के हमें मिलता है ज्वाला। पढ़ो ज्वाला। ज र से मिलके हमें मिलता है वज्र। कहो वज्र। ज ज से मिलाकर हमें मिलता है सज्जन। पढ़ो सज्जन। आपने देखा होगा हम संयुक्त अक्षर पे ज व से मिलाकर हमें मिलता है ज्वर। कहो ज्वर। ज ज से मिला के हमें मिलता है छज्जन। कहो छज्जन। चलो अब इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। आग में ज्वाला है, आग में ज्वाला है, आग में ज्वाला है। राजू छज्जे पर खड़ा है, राजू छज्जे पर खड़ा है,
राजू छज्जे पर खड़ा है। सज्जन लोगों पर भरोसा रखे, सज्जन लोगों पर भरोसा रखे, सज्जन लोगों पर भरोसा रखे। उपवास के दिन भोजन वज्र करो, उपवास के दिन भोजन वज्र करो, उपवास के दिन भोजन वज्र करो। अब हम नेक्स्ट लेटर लेते हैं, न, न बान का। न को हम पूर्ण अक्षर न से मिलाएंगे तो हमें संयुक्त अक्षर न मिलता है। जब हम ये न बान में से जब हम अर्ध अक्षर और पूर्ण अक्षर लिखते हैं तो हमें इस तरह से लिखना है बच्चों। अर्ध अक्षर का लास्ट लाइन हम नहीं लिखते, अर्ध अक्षर और पूर्ण अक्षर विथ लास्ट लाइन हम लिखते हैं तो हमें संयुक्त लेटर न इस तरह से मिलता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में कौन सा भी लेटर आपको पूछा जा सकता है। अर्ध अक्षर या मूल अक्षर न प्लस य हमें मिलता है न्य। आप देख सकते हैं सिर्फ हमें मूल अक्षर का न लेटर लिखा है जिसमें से उसकी लास्ट लाइन नहीं लिखी है और य पूर्ण अक्षर, ऐसे टुगेदर हमें संयुक्त अक्षर न्य ऐसे मिला है। मूल अक्षर न प्लस ड हमें मिलता है ड। न नाक से आवाज आती है बच्चों, हम वाण्मय झंडा कैसे प्रोनाउंस करते हैं उस तरह से। अर्ध अक्षर न प्लस र हमें मिलता है नृ। कौन सा लेटर मिलता है? नृ, संयुक्त अक्षर नृ। चलो इन अक्षरों का शब्दों में प्रयोग करते हैं। पुण्य कहो, पुण्य। अरण्य कहो, अरण्य। न य से जोड़ के अरण्य। भंडार, अर्ध अक्षर न ड को जोड़ के भंडार। झंडा कहो, झंडा। इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे। तिरंगा हमारा झंडा है, तिरंगा हमारा झंडा है। हमेशा पुण्य काम करो, हमेशा पुण्य काम करो। अरण्य बहुत घना है, अरण्य बहुत घना है, अरण्य बहुत घना है। तो बच्चों आज हमने ग्रुप टू में से अक्षरों के संयुक्त अक्षर शब्द और वाक्य लिखकर पढ़ते कैसे हैं इसका प्रयास किया। आप भी घर में लिखकर पढ़ने का प्रयास जरूर करो। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।